नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रिएटिव कैनवास में। मेरा नाम है कीर्ति और आज हम लोग जानने वाले हैं बंगाल की एक एम्ब्रॉयडरी कांथा के बारे में। कांथा शब्द के दो अलग अलग मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग आता है संस्कृत से। कांथा शब्द का संस्कृत में लगता होता है क्योंकि कांथा एम्ब्रॉयडरी कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ मिलाकर की जाती है। कांथा का दूसरा अर्थ होता है गला यानी कंठ। इसे भगवान शिव के साथ भी जोड़ा जाता है क्योंकि समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला था वो भगवान शिव ने ग्रहण किया था और उसके बाद उनके गले का रंग नीला पड़ गया था और इसीलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। कांथा कढ़ाई के सबसे पुराने रूपों में से है। ये बहुत ही सरल है। इसे सिर्फ और सिर्फ रनिंग स्टिच से बनाया जाता है और कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। कांथा कढ़ाई की शुरुआत भारत में ही हुई। भारत के बंगाल और उड़ीसा राज्य में इनकी शुरुआत हुई। कांथा एम्ब्रॉयडरी का जिक्र कई सारी पुरानी किताबों में भी पाया जाता है, जैसे कृष्णदास कविराज द्वारा लिखी गई किताब चैतन्य चरितामृत में कांथा एम्ब्रॉयडरी का जिक्र है। ये किताब करीब करीब 500 साल पुरानी है। शुरुआती दौर में कांथा कढ़ाई को काफ़ी सांस्कृतिक महत्व था। कांथा कढ़ाई में हिंदू पौराणिक ऋषियों से रिलेटेड मोटिव्स होते थे। इसका इस्तेमाल कई सारे हिंदू विधियों में भी किया जाने लगा, जैसे शादी हो या फिर बच्चे का जन्म हो। ज़्यादातर पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाके में रहने वाली जो औरतें होती है उन्हें कांथा का बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि वो औरतें छोटे छोटे टुकड़े बनाकर उनसे पैचवर्क की रजाई बनाती है और उस पर कांथा की एम्ब्रॉयडरी करती है कपड़े के कई पीसेस को एक साथ जोड़ने के लिए। कांथा में जिन मोटिव्स का इस्तेमाल होता था वो पश्चिम बंगाल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, जैसे कि मछली, लोटस या एलिफेंट। कांथा मूल रूप से कॉटन के कपड़े पर बनाया जाता है और इसमें सिर्फ एक ही स्टिच का इस्तेमाल होता है जो बहुत ही आसान है, वो है रनिंग स्टिच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आप कौन से विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं इसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। धन्यवाद।